छत्तीसगढ़ के कई विधानसभाओं में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। पंजरिया विधानसभा के कबीर धाम में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान और कहा कि लालू यादव का जो चारा है वो छत्तीसगढ़ में गोबर में बदल गया है। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी के साथ ये भी कहा कि बीजेपी सुशासन और सुरक्षा देने वाली सरकार है। वहीं पर कांकेर और बस्तर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा कर रही है। तो छत्तीसगढ़ विकास से दूर रहा। छत्तीसगढ़ में प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार, रामराज में बिना भेदभाव सभी का विकास हो रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश का की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। यूपी में 55 लाख गरीबों को आवास दिए गए हैं। कांग्रेस सिर्फ वादा करने के लिए जानी जाती है। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर नजर आए। मोदी जी ने जो वादे किए सभी पूरे कर रहे हैं। बिना भेदभाव के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान योजनाओं का लाभ हर किसी को मिल रहा है, डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से विकास हो रहा है इसका जिक्र किया। तो साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। गरीब कल्याण बीजेपी की प्राथमिकता है। कांग्रेस ने देश के लिए समस्याएं पैदा की है। लालू यादव का चारा छत्तीसगढ़ में गोबर में बदल गया। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। तो अयोध्या का जिक्र करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। बीजेपी सुशासन और सुरक्षा देने वाली सरकार। सब्सिडी और बोनस दिया था कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने, वो बंद कर दिया। अन्नदाता किसानों का शोषण की हद तक 1300 करोड़ रुपए का गोबर घोटाला कर दिया इन लोगों ने। एक नया घोटाला आ रहा है, महादेव ऐप के नाम पर 10 लाख लोगों के पैसे को हड़पने का। कांग्रेस की सरकार आती है, मनबड़ उच्चकों का, सौदे किस्म के उपद्रवियों का दुस्साहस बढ़ जाता है, धर्मांतरण बढ़ जाता है। कांग्रेस को छतों बेस में उन लोगों को अब वनवासी और आदिवासी के नाम पे चुनाव लड़ाने का कुछ प्रयास कर रही है। जो भ्रष्टाचारी है, जो अराजकतावादी है, जो गरीब का निवाला छीन लेता है, गरीब के अधिकार को डकैती डालने का काम करता है, बेटियों की सुरक्षा में सेल लगाने का कार्य करता है, वह किसी राक्षस से कम नहीं है। और उस राक्षस को हटाने के लिए हम सबका संकल्प होना चाहिए। ये माइनिंग का पैसा, जिस पैसे को यहां लगना चाहिए था, यहां के विकास के लिए लगना चाहिए था, यहां के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के लिए लगना चाहिए था, यहां विकास की नई नई योजनाओं को बनाने के लिए लगाना चाहिए था, उस योजना का बंदरबांट कैसे। और भाइयों बहनों, इन्हीं बेमानों वाली भ्रष्टाचारियों के लिए हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर तैयार करके रखा हुआ है। जो सरकारी पैसे को हड़पता है, अगले दिन बुलडोजर जाता है, पैसे भी वसूल करता है और भ्रष्टाचार की इमारत को ध्वस्त करके भी आ जाता है। माफिया जो पाले जाते हैं इन लोगों के द्वारा, उन्हीं माफियाओं को, उनकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, उनके लिए आवास वहां पर बना करके अपने हाथों से जाकर के हम लोग उपलब्ध करवा देते हैं। छत्तीसगढ़ बनाने का काम किया था सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, भारत रत्न सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने छत्तीसगढ़ बनाया। छत्तीसगढ़ बनाया भी बीजेपी ने और संवारी की भी बीजेपी।